भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी होप सो आई एम विजिबल टू एवरीवन। जल्दी से नमस्कार कमेंट करिएगा एक बारी और शेयर करिएगा सेशन को। हम एकदार तरीके से करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। जल्दी से शेयर कर दो भाई, ठीक है, जल्दी से शेयर कर दो। 8 बजे वाली क्लास आपको पता ही है, ठीक है, ठीक है, दिमाग करिएगा। 8 बजे वाली क्लास आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और ये फिक्स 8 बजे है, ठीक है। आप बस एक काम करें, जीके वी दमन सर सर्च करें यूट्यूब पर और 8 बजे आपको ये क्लास मिल जाएगी, ठीक है। एक ही काम करना है, जीके विद अमन सर यूट्यूब पे सर्च करो एग्जैक्टली 8 बजे डेली और अपनी क्लास में लाइव आ जाओ। कहीं पे भी ढूंढने की जरूरत नहीं, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। टाइम तो हो गया और मैं भी आ चुका हूँ और आपके लिए एक बेहतरीन सूचना आप सभी के लिए, क्योंकि इसका आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है, इसका आपको बहुत फायदा होने वाला है। स्टैटिक जीके कईयों को नहीं आती, ठीक है, दिमाग रहे, स्टैटिक जीके कईयों को नहीं आती, तो भैया इसका इलाज है कंप्लीट स्टैटिक जीके। कहाँ पर? दिमाग पर रखे स्टूडियोज पर, यानी कि यूट्यूब पे, ठीक है, दिमाग पर रखे कहाँ पे? यूट्यूब पे कंप्लीट स्टैटिक जीके आ रही है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा कंप्लीट स्टैटिक जीके। अब कैसे ये भी समझ लेते हैं, कैसे, तो दिमाग पर रखिएगा सुबह 6 बजे मैं आपको पार्ट टू पार्ट, ठीक है, पार्ट वन आपका मंडे को आ जाएगा। कब? मंडे को आपका पार्ट वन आ जाएगा सुबह 6 बजे, आप सभी जानते हैं सुबह 6 बजे। आप बस वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे एक वर्ड लिखें, कंप्लीट स्टैटिक जीके बाय, ठीक है, कंप्लीट स्टैटिक जीके बाय अमन सर, तो आपको ये क्लासेस सारी मिल जाएगी और देखना जरूरी है, ठीक है, दिमाग रखिए। सुबह 6 बजे ये क्लास मंडे से आने वाली है, फिक्स क्लास है, मैं अब इसमें स्टैटिक जीके ही कराऊंगा, ठीक है, दिमाग रखिए, मंडे से क्लास होने वाली है, ठीक है, यूट्यूब पे। बाकी आपको बताइए, फ्री क्लासेस मेरी अनअकैडमी पे 10:30 बजे होती है और आप मुझसे अनअकैडमी पे पेड कोर्सेज में भी जुड़ सकते हैं, धमाका क्लास पता ही है आपको, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। पेड कोर्सेज में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है प्यारे, दिमाग पर रखिएगा, 30 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। कब से? 30 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो रही है पेड कोर्स की, ठीक है, पेड कोर्सेज की क्लासेस जो है 30 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, इंपॉर्टेंट क्लासेस है, ठीक है। करना क्या है, SSC गोल सिलेक्ट करो या डिफेंस गोल सिलेक्ट करो, उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, ठीक है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर मंथ पे और रेफर कोड लाइव अमन लगा के जुड़ जाएंगे, ठीक है। करते हैं हमने सेशन को स्टार्ट, ठीक है, धमाका डेली होता है आज का धमाका, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा आज का धमाका। स्पीड पकड़नी है और सही आंसर बताना। लीजिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, हाँ भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, आप जितने भी ये सब चीजें देखते हो, ठीक है, ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका का पहला नाम, ठीक है, उसके बाद आपसे बोला जाए, ठीक है, सोलोमन का ये नाम और उसके बाद पेंथ्रा लियो का पेंथ्रा, ये तीनों के तीनों जो प्रीफिक्स हैं पहले के वर्ड जो है इन्हें क्या कहा जाता है? शेयर करेगा सेशन को, जल्दी से शेयर करेगा, इस क्वेश्चन का आंसर देगा। पहले के जो तीन वर्ड होते हैं जिन्हें हम प्रीफिक्स कहते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, प्रीफिक्स को क्या कहा जाता है, आंसर क्या है? इसे टैक्सोन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? टैक्सोन कहा जाता है। पहला क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये जो प्रीफिक्स होते हैं इन्हें टैक्सोन कहा जाता है, थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, दिमाग पर रखिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, व्हेन वाज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश, जल्दी से बताएगा, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? जल्दी से बताएगा, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? कमेंट करेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इजी क्वेश्चन है, दिमाग पर गया, 1925 में हुई थी। आपसे ये भी पूछा सकता है किसके द्वारा? M.N. रॉय के द्वारा। किसके द्वारा? M.N. रॉय के द्वारा, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का गठन M.N. रॉय के द्वारा 1925 में। महत्वपूर्ण सवाल, सेशन को एक बार ही शेयर करिएगा और मेरी क्लास में सिर्फ आप 8 बजे ही जुड़ सकते हैं यूट्यूब पे और अब सुबह 6 बजे भी, ठीक है, याद रखिएगा सुबह 6 बजे स्टैटिक जीके आ रही है और मस्त मजा आ जाएगा इस क्लास को देखने में, ठीक है, ट्रिक पढ़ाऊंगा सारी की सारी A to Z, आपको बस YouTube पे सर्च करना है जीके विद अमन सर, ठीक है, दिमाग पर रखे। एक और क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर डिड द अहोम, ठीक है, रेबेलियन आकर, जल्दी से बताइएगा, अहोम रेबेलियन जो है कौन से वर्ष में हुआ था? कमेंट करेगा अहोम रेबेलियन कौन से वर्ष में होता, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर अहोम रेबेलियन कौन से वर्ष में होता, जल्दी से कमेंट करेगा, ठीक है, आंसर क्या है, अहोम रेबेलियन कौन से वर्ष में हुआ था? जितनी जल्दी जुड़ जाओगे उतनी जल्दी आंसर आना स्टार्ट हो जाएंगे। 1828 इसका आंसर है, 1828 में अहोम रेबेलियन हुआ था। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इथाइलीन किस तरीके का मॉलिक्यूल है? देखो पहली बात तो भैया ये ईन है, ठीक है, आपसे पूछा जाए कार्बन इसमें है लगा हुआ, कार्बन इसमें लगा हुआ है, ठीक है, इथाइलीन है तो भैया कार्बन लगा हुआ, पूछा गया किस तरीके का मॉलिक्यूल है, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इथाइलीन किस तरीके का मॉलिक्यूल है, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या है इसका, इथाइलीन किस तरीके का मॉलिक्यूल है, ठीक है, आंसर क्या है इसका? देखो यार ढीले पड़ रहे हो यार, क्या ऐसा, क्या मतलब थके हुए हो क्या, ठीक है, आंसर क्या है? नॉन पोलर इसका आंसर है, स्पीड में आंसर दो, नॉन पोलर इसका आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आंसर,
रायपुर इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कौन सी स्टेट की कैपिटल है। वैसे ही बदलाव आया है लेकिन फिर भी बताओ कौन सी स्टेट की, आंसर क्या है। ठीक है, आंसर क्या है, छत्तीसगढ़। ठीक है, दिमाग पर रहेगा, छत्तीसगढ़ की कैपिटल। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, क्या इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम बाय हुम, जल्दी से बताइएगा। भारत का संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था, जल्दी से बताइएगा। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया हुआ था, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। बच्चे बड़ा आसान, विधानसभा के द्वारा। ठीक है, ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी इसी ने हमारे देश का संविधान बनाया है। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे देश का संविधान बनाया। क्वेश्चन नंबर 8-7 का आंसर होता है, नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। एक ही आसान है, गंगा इसका आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी है, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी हो जाएगी, गोदावरी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएगा, शीतल महाजन किससे संबंधित है, जल्दी से बताइए, कौन से खेल से संबंधित है। शीतल महाजन कौन से खेल से संबंधित है, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, शीतल महाजन कौन से खेल से संबंधित, जल्दी से बताओ। ठीक है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, शेयर कर देना सेशन को, और आंसर क्या है इसका। ठीक है, दिमाग पर आंसर इसका ये है भाई, ये क्लास मिस मत करना। अब आपके कहे पे लगा के आया हूं, 6 बजे सुबह आपकी ये यूट्यूब क्लास है, कंप्लीट स्टैटिक जीके है। आपको स्टैटिक जीके पढ़नी है तो एक बार ही सर्च कर लेना, कंप्लीट स्टैटिक जीके बाय अमन सर। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, मंडे से आप कंप्लीट स्टैटिक जीके बाय अमन सर पूरा वर्ड याद कर सर्च कर लेना, एक बार ही आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन द वेन्यू ऑफ द 11, जल्दी से बताएगा। हिंदी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी कहाँ पे हुई थी, 2018 की पोर्ट लुइस में हुई थी। एक और क्वेश्चन देखिए, भवानी रिवर कौन सी नदी की सहायक नदी, जल्दी से बताएगा, भवानी नदी जो है कौन सी नदी की सहायक नदी है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइए। भवानी नदी जो है कौन सी नदी की सहायक नदी है, कमेंट करिएगा। ठीक है, ठीक है, आंसर क्या है प्यारे, दिमाग पर रखिएगा, कावेरी इसका आंसर है। ठीक है, दिमाग करिएगा, सहायक नदियों के क्वेश्चन तो यार 100% आते हैं। देखो कोई क्वेश्चन आए ना आए, सहायक नदियों के क्वेश्चन आएंगे, सहायक नदियों के सारे क्वेश्चन याद कर लेना। मैं आपको बहुत सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ स्टैटिक जीके में, आपको मैं सारी नदियों की सहायक नदी बताऊंगा, सारे पहाड़ जितने भी माउंटेन्स है, ऑर्डर क्या है उनके, नेशनल पार्क क्या है, ये सब चीजें आपको सुबह 6 बजे मिलने वाली है। ठीक है, दिमाग करिए, सुबह 6 बजे आपको मिलने वाली है। ठीक है, दिमाग करिए, कमेटी ऑन द ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर, ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी में लोकसभा से कितने मेंबर होते हैं, आसान क्वेश्चन, लोकसभा से कितने मेंबर होते हैं, 20। ठीक है, राज्यसभा से 10 होते हैं, राज्यसभा से 10 होते हैं। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, राज्यसभा से 10 होते हैं। ऐसे ही पब्लिक अकाउंट कमेटी का भी पूछा सकता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने होते हैं, तो उसका भी याद रखना, पब्लिक अकाउंट कमेटी में 15 जो होते हैं लोकसभा से, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, 15 होते हैं लोकसभा से, और 7 जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं, राज्यसभा से। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, ऐसी एस्टिमेट कमेटी का भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 30 के 30 कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से कोई भी मेंबर नहीं होता, राज्यसभा से कोई भी मेंबर नहीं होता। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, मैं आपको टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, फालतू की बातें, बीट अराउंड द बुश करना ही नहीं है भाई, बिल्कुल सिंपल से बात। विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट एंड द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जल्दी से देखो कौन सा एलिमेंट है जिसके हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। आर्सेनिक के एक और क्वेश्चन देखिएगा, द हाईएस्ट एयरपोर्ट इंडिया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हाईएस्ट एयरपोर्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा है, भाई शेयर कर दिया करो क्लास को। ठीक है, यूट्यूब पे जब मुझे ढूंढना है ना कि भैया कब, तो दिमाग में रखिएगा, एग्जैक्टली 8 बजे मेरी क्लास स्टार्ट हो जाती है मंडे टू फ्राइडे। कल तो आपके लिए स्पेशल क्लास है, कल आपके लिए 2 घंटे का महामैराथन है, कितने बजे, 8 बजे, बस इतना सर्च कर लेना, जीके विद अमन सर यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी मेरी क्लास। ठीक है, जीके विद अमन सर 8 बजे यूट्यूब पे एक बार सर्च करना, लाइव क्लास मेरी मिल जाएगी 2 घंटे की महामैराथन। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, हाईएस्ट एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो कौन सा है, लेह एयरपोर्ट। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, अन अकेडमी का प्रोफाइल है ये, अमनदीप शर्मा, सर्च कर लेना, आपको मेरी सारी फ्री क्लासेस मिल जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, देखो कॉल साइन ऑफ एनी एयरक्राफ्ट कैरिंग द इंडियन प्रेसिडेंट, जल्दी से बताइएगा। पूछा जा रहा है कि हमारे भारत के राष्ट्रपति को, ठीक है, ट्रेवल कराने के लिए इसमें से कौन सा जो है यूज किया जाता है, जल्दी से बताइएगा कौन सा इसमें से यूज किया जाता है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। भारत के राष्ट्रपति के जो एयरक्राफ्ट होता है, एक ही एयरक्राफ्ट है, उसका आंसर क्या है,
आंसर क्या है, दिमाग में रखिएगा, एयर इंडिया वन, जैसे एयरफोर्स वन अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए ना, यूएसए के राष्ट्रपति के लिए है, ठीक है, ऐसे इंडिया के राष्ट्रपति के लिए भी एयर इंडिया वन है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, इंडिया के राष्ट्रपति के लिए भी एयर इंडिया वन है, पूछा जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन देखिए, बंगाली कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जल्दी से बताइएगा, बंगाली कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बंगाली कहाँ की। देखो अब देखो, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इसमें कहीं पे वेस्ट बंगाल दे नहीं रखा तो मैं क्या आंसर लगाऊं, वेस्ट बंगाल दे नहीं रखा तो मैं क्या आंसर लगाऊं, और आपका क्वेश्चन गलत है प्यारे। नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज दो होती है, एक माइनर और एक मेजर, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज में आती है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, वेस्ट बंगाल के पास पड़ता है, ठीक है, आंसर इसका त्रिपुरा है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर, मुस्लिम दरगाह जो है सलीम चिश्ती की दरगाह फेमस है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ पे, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है, जल्दी से कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, आंसर क्या है इसका, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की दरगाह है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, आसान है, एक डिग्री लैटिट्यूड, जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहां पे अगर मैं बात करूं तो एक डिग्री जो है, मान लो इतना एक डिग्री है, तो इस एक डिग्री का जो किलोमीटर है, ये जो किलोमीटर है, ये जो किलोमीटर कितना है, ठीक है, 111 किलोमीटर, कितना है, 111 किलोमीटर। एक और क्वेश्चन देखिएगा, और भाई सेशन को सारे के सारे शेयर करेगा, ए टू जेड बच्चे शेयर करेगा एक बार इस सेशन को। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, नेम द ऑथर ऑफ द बुक ऑल अबाउट, ठीक है, ठीक है, आंसर क्या, वुमेन है भाई, ठीक है, दिमाग पर क्या, ऑल अबाउट वुमेन, आंसर क्या है, ठीक है, तस्लीम नसरीन इसका आंसर है, तस्लीमा नसरीन, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, जहाँ पे माइंस की बात आती है ना, साइट्स की बात आती है, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ये स्टैटिक जीके है, ठीक है, दिमाग पर, दिस इज अ स्टैटिक जीके पोर्शन, ये याद नहीं होता, लेकिन अगर आप सुबह 6 बजे एक बार सर्च कर लोगे ना यूट्यूब पे, ठीक है, स्टैटिक जीके बाय अमन सर, क्या, सिंपल, स्टैटिक जीके बाय अमन सर, आपको मंडे से मिलना स्टार्ट हो जाएगी क्लास, ठीक है, दिमाग पर रखिए, थंबनेल दिखा चुका हूँ आपको, एग्जैक्टली वही थंबनेल होगा, पार्ट टू पार्ट, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, ऐसे पढ़ लेना एक बार, सारी की सारी वीडियो देख लेना, छोटी छोटी वीडियो होंगी, बहुत काम की वीडियो होंगी, ठीक है, दिमाग पर रखिए, गोदावरी इसका आंसर है, सभी बच्चों के लिए काम की है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखिएगा, हाँ भाई, टेप वर्म और जो लीवर फ्लूक जो है, जल्दी से बताइएगा, टेप वर्म और जो लीवर फ्लूक है, ये कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, कमेंट करिएगा, कौन से फाइलम से हैं, कमेंट करिएगा, कौन से फाइलम से हैं, और शेयर करिएगा सेशन को, ठीक है, कौन से फाइलम से, जल्दी से बताएं, ठीक है, इजी क्वेश्चन है यार, ठीक है, किससे, ठीक है, प्लैंथेमेलाइट्स किसे, मैं पहले भी बता चुका हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है, या तो मैं आर्थ्रोपोड के ऊपर क्वेश्चन पूछूं तो आप बता दो झींगा आंसर है, केकड़ा आंसर है, ठीक है, बता चुका हूँ मैं आर्थ्रोपोडा के ऊपर, ठीक है, या मोलस्क के ऊपर क्वेश्चन पूछो वो भी बता दोगे, ठीक है, क्योंकि पढ़ने हैं हमें बस, ठीक है, दिमाग रखिएगा, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, स्टूडेंट आंसर बताएगा, इन विच स्टेट इज द लुसाई हिल्स लोकेटेड, लुसाई हिल्स कौन से राज्य में, कमेंट करेगा, लुसाई हिल्स कौन से राज्य में है, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताएगा, ठीक है, और ये बताइएगा मुझे बीएड बढ़ानी चाहिए कि या कम कर देनी चाहिए, हटा देनी चाहिए, जल्दी से बताइएगा भाई, अपने स्टूडेंट्स की मत लेने जरूरी है, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, लुसाई हिल्स की अगर मैं बात करूं तो मिजोरम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, दिमाग रखिएगा, मिजोरम में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, भारत के संविधान में संशोधन हुआ है, ठीक है, सभी जानते हैं भारत के संविधान में संशोधन हुआ है, और संशोधन किस में हुआ है, 10वें आर्टिकल में, शेड्यूल में हुआ है, सवाल ये पूछा जा रहा है कि कौन से वर्ष में पहला संशोधन हुआ था, जल्दी से बताएगा, ठीक है, ठीक है, दिमाग पर रखिए, कौन से वर्ष में, ठीक है, ठीक है, इसी बात पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है प्यारे, दिमाग पर रखिएगा, ठीक है, ठीक है, इसी क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1951 इसका आंसर है, ठीक है, 1951 इसका आंसर है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, 1951 इसका आंसर है, 10वें शेड्यूल में ये, ठीक है, संशोधन हुआ था, ठीक है, देखते हैं और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 10वें नहीं, 9 शेड्यूल में हुआ था, ठीक है, 9 शेड्यूल में हुआ था, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, एक्ट वाले शेड्यूल में हुआ था, क्योंकि 10 तो एंटी डिफ्रेक्शन है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 9 शेड्यूल में हुआ था, ऑफ द वेरियस ग्राउंड गिवन बिलो, जितने भी ग्राउंड दे रखे हैं, कौन सा इसमें से ग्राउंड है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन वाला कंसेप्ट नहीं दे रखा, आर्टिकल 15 हमारे देश का मौलिक अधिकार है, ठीक है, आर्टिकल 15 हमारे देश का मौलिक अधिकार है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, और ये जो मौलिक अधिकार है इसमें कौन सा डिस्क्रिमिनेशन नहीं दे रखा, मतलब वर्ड ही नहीं दे रखा इसमें, ठीक है, इस आर्टिकल में वर्ड ही नहीं दे रखा, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएगा आंसर क्या है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई, इसमें से लैंग्वेज के नाम पर डिस्क्रिप्शन होते हैं,
ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर आप क्या बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक में चले गए और आपको आती है इंग्लिश, ठीक है, और आप गए हो झारखंड में, तो उस उन उधर के लोगों के लिए फायदेमंद है क्या? नहीं है। तो भैया वो तो देखेंगे ना, झारखंडी लैंग्वेज आनी चाहिए उस व्यक्ति को, ठीक है। तो लैंग्वेज कैन बी द बैरियर, ठीक है, दिमाग खोलिए, लैंग्वेज कैन बी द बैरियर। क्वेश्चन आंसर दे, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, जल्दी से बताइए, बड़ा आसान क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट स्पीकर की बात करूं तो जीवी मावलंकर है, ठीक है। फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर की बात करूं तो एम अयंकर है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, एम अयंकर है, ठीक है, दिमाग रखिए। फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर की बात करूं तो एम अयंकर है, और फर्स्ट स्पीकर की बात करूं तो जीवी मावलंकर है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, इजी क्वेश्चन है, पूछा जाता है। शेयर करिएगा सेशन को, ठीक है। मुझसे डेली जुड़ने का बस एक ही तरीका है, बता चुका हूं, 8 बजे यूट्यूब पे सर्च कर लेना एक वर्ड को, ये है जीके विद अमन सर, ठीक है, ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है मेरे नाम से जुड़ने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए, बस जीके विद अमन सर, ठीक है, मेरा हर जगह यही नाम है, ठीक, जीके विद अमन सर, बस कहीं पे भी सर्च कर लो, ठीक। यूरेनस इज डैश प्लैनेट फ्रॉम द सन, जल्दी से बताएगा आंसर क्या है। देखो यार बिल्कुल सिंपल सी बात है, जश्न की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मास, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, दिमाग को रखिएगा, 7, ठीक है, दिमाग को रखिएगा, आंसर इसका 7 है, ठीक है, दिमाग को रखिए, 7 है। एक और क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर क्या है, बियॉन्ड द डैश हिमालय बैंड शार्पली टुवर्ड्स द, ठीक है, ईस्टर्न बाउंड्री, ठीक है, जैसे ये है ना हिमालयस, ठीक है, तो हिमालयस ऐसे डिवाइड करता है, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या है, जल्दी से बताएगा, ये पॉइंट क्या है, कमेंट करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ईस्टर्न बाउंड्री की तरफ आंसर क्या है, ठीक है, आंसर क्या है बच्चे, दिमाग पर रखिएगा, दिहांग पास कहते हैं इसे, हम क्या कहते हैं, दिहांग पास है ये, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग पास। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, दूरदर्शन के ऊपर सवाल आया है, कौन से वर्ष में, दूरदर्शन 1959 में, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, ये स्टैटिक जीके है भाई, ठीक है, जब तक स्टैटिक जीके नहीं पढ़ोगे तब तक ये सवाल नहीं सोल्व होते, या तो क्वेश्चन आता हो या तो, ठीक है, स्टैटिक जीके, ठीक है भाई, थोड़ी सी बफरिंग हो रही है तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लास कंटिन्यू देखो, और अभी 10:30 बजे क्लास होगी, याद रखिएगा, अभी 10:30 बजे क्लास होगी, ठीक है, दिमाग का रखेगा, ठीक है। तक्षशिला वाज फेमस साइट ऑफ, जल्दी से, आसान है, गांधारा, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स, ठीक है, 80,000, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डैश इन ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज स्टैंडर्ड, जल्दी से बताइए, डैश इज एन ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज स्टैंडर्ड, इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज स्टैंडर्ड है, कमेंट करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइएगा, कौन सा इसमें से मॉडल स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, कमेंट करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ठीक है, आसान है क्वेश्चन, आंसर क्या है, OQL, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम फ्लोराइड की अगर मैं बात करूं तो उसका नेट चार्ज क्या है, जल्दी से बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर, इजी क्वेश्चन है साइंस का, ठीक है, 10:30 बजे आ जाना, साइंस का इजी क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो जब अनअकैडमी मुझसे क्लास लेनी है तो बस सुबह 10:30 बजे धमाका क्लास, और रात को 10:30 बजे जीके साइंस की क्लास, और 9 बजे का लाइव टेस्ट, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, बाकी यूट्यूब का बता चुका हूँ आपको, ठीक है, 2 क्लास हो रही है, 1 8 बजे जिसको सर्च करने के लिए ये वर्ड यूज करना है, 1 सुबह 6 बजे मंडे से स्टार्ट हो रही है, जिसको सर्च करेंगे स्टैटिक जीके बाय अमन सर, ठीक है, इसका आंसर यू है, कि कैसे, क्योंकि कैल्शियम और फ्लोराइड दोनों का बराबर हो जाता है, ठीक है, 2+4 दोनों का बराबर हो जाता है, तो इसी वजह से आंसर क्या है, 0 है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, दोनों का बराबर हो जाएगा एक दूसरे से, ठीक है। CaF इसका फॉर्मूला होता है, फाइंड द ओड वन आउट, बड़ा आसान है भाई, ठीक है, डेल्टा आर्कलेक क्रीप, ठीक है, ये तीनों के तीनों जो है ना, ये रिवर से संबंधित है, ये और ये रिवर से संबंधित है, बोल्सन इज नॉट रिलेटेड टू द रिवर, तो जब बोल्सन रिलेटेड ही नहीं है रिवर से, तो ये आंसर तो यही हो गया ना, इस क्वेश्चन का आंसर, हु रोट द पंचतंत्र, जल्दी से बताएगा, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया, कमेंट करेगा, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया, कमेंट करेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विष्णु शर्मा के द्वारा, किसके द्वारा, विष्णु शर्मा के द्वारा, भाई शेयर करना सेशन को एक बारी, ठीक है, दिमाग करेगा, ठीक है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, विच इज द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण सवाल है भाई, ठीक है, दिमाग करेगा, महत्वपूर्ण सवाल है और प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, पहली भारत की हिंदी न्यूज़पेपर कौन सी थी, दिमाग पर रखिएगा, उदंत मर्तन, ठीक है, फेमस है, हमें पता भी होना चाहिए ऐसे भी, ठीक है, उदंत मर्तन इसका आंसर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब पूछा जाता है, ठीक है, उदंत मर्तन इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, डैश इज द इंडिजीनियस लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया भैया, पहली बात इंडिजीनियस है और LCA है, ठीक है, दिमाग LCA है, LCA वर्ड यूज करते हैं ना, लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट होता है वो, ठीक है, दिमाग पर जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या इस क्वेश्चन का आंसर, कौन सा इसमें, बड़ा आसान है, इंडिजीनियस इज तेजस, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। एक और क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ NTPC लिमिटेड, आसान है, न्यू दिल्ली में। एक और क्वेश्चन देखिएगा,
विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द अर्थक्विक, अर्थक्विक को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज की जाती है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, सेस्मोग्राफ, देखो अर्थक्विक को मेजर करने के लिए सेस्मोग्राफ, लेकिन भाई याद रखना सेस्मोग्राफ के अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, रेक्टर स्केल, मर्करी स्केल, ये सब कुछ पकड़ना है ना। तो अनअकैडमी पे 10:30 बजे रात को मेरी क्लास देख लेना, ठीक है, अपन लोग इसमें थ्योरी करते हैं ज़्यादातर, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। तो ये 10:30 बजे की क्लास आपको बस सर्च करना, अमनदीप शर्मा प्रोफाइल फॉलो करना, मिल जाएगी, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है प्यारे, जल्दी से, ठीक है, मेरा रेफर कोड लाइव अमन यूज करिए भाई, सारे के सारे इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। ये मेरा प्रोफाइल अनअकैडमी पे जुड़ना है तो अमनदीप शर्मा, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, अमनदीप शर्मा सर्च करके आप मेरी फ्री क्लासेस का नोटिफिकेशन ले सकते हैं, फॉलो कर लीजिएगा अकाउंट को। ठीक है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, आंसर क्या है जल्दी से बताएगा, आंसर क्या है NH44। अब देखो ये क्या है, दोबारा आता है सवाल, किसी को आता होगा, लेकिन भाई कोई NH4 के बारे में नहीं जानता, समझिएगा, कोई NH4 के बारे में नहीं जानता, आप में से कोई जानता है NH10 के बारे में, NH5 के बारे में, इसके लिए क्या है, इसके लिए सॉल्यूशन एक ही है। ठीक है, मेरी सुबह जो स्टैटिक जीके की क्लास मंडे से स्टार्ट हो रही है ना 6 बजे, वो देखनी है, यूट्यूब पे सर्च करना है स्टैटिक जीके बाय अमन सर, ऊपर थंबनेल मिल जाएगा, थंबनेल आपको दिखा चुका हूँ एक बार, लास्ट में दोबारा दिखा दूंगा। ठीक है, पार्ट वन से स्टार्ट करना, डेली देखना, पार्ट वन 6 बजे मंडे से आ रहा है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन, हॉलीवुड इज लोकेटेड, आसान है, कैलिफोर्निया का क्वेश्चन, देखें, इन केस स्टेट इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड, अगर स्टेट इमरजेंसी लगती है, अच्छा क्वेश्चन है बताइएगा, अगर प्यारे स्टेट इमरजेंसी लगती है तो पार्लियामेंट को अप्रूवल देना पड़ता है कितने समय में, जल्दी से बताएगा, पार्लियामेंट को अप्रूवल देना पड़ता है कितने समय में, कमेंट करिएगा कितने समय में देना अनिवार्य है, जल्दी से कमेंट करिएगा। ठीक है, आसान है भाई क्वेश्चन, ठीक है, आंसर क्या है बच्चे, दिमाग को रखिएगा, 6 मंथ में, कितने, 6 मंथ में, ठीक है, दिमाग को रखिएगा, 6 मंथ में अनिवार्य है। डैश केव आर द नेटवर्क ऑफ स्कल्पचर्ड केव लोकेटेड, मुंबई में लोकेटेड है, मुंबई हार्बर में कौन सी है भैया, सभी जानते हैं एलिफेंथियस केव। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर, विच अमेंडमेंट रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा से संबंधित अमेंडमेंट कौन सा है जिसने आर्टिकल 21A लाया था, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, अनुच्छेद 21A आया था कि 14 साल तक बच्चों को, ठीक है, शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल विजेंद्रा, 6 बजे यूट्यूब क्लास है, सर्च कर लीजिएगा सीधा के सीधा। ठीक है, आंसर क्या है इसका, ठीक है, आंसर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, नहीं करना है, क्वेश्चन अलग है, 2016 नहीं करना है। डैश इज यूज फॉर मेकिंग विनेगर, विनेगर को बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कमेंट करेगा, विनेगर को बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, विनेगर को, ठीक है, बनाने के लिए, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जुड़ना कैसे है, तो भैया जुड़ना ऐसे ही है, एक नाम सर्च करना है जीके विद अमन सर यूट्यूब पे, बस। ठीक है, 8 बजे की क्लास के लिए, ठीक है, और 6 बजे वाली क्लास के लिए स्टैटिक जीके विद अमन सर, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, आंसर इसका एसिडिक एसिड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम ऑफ स्टेट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मुश्किल लग रहा है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे देश के राज्य यूनियन टेरिटरी का लिस्ट जो है किसमें है, तो भैया पहली लिस्ट है, पहला शेड्यूल है, ठीक है, दिमाग रखिए, पहला शेड्यूल है, देखते हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हु विल बी द स्पोर्ट एम्बेसडर ऑफ असम स्टेट, आसान है, हिमा दास को बनाए, ठीक है, हिमा दास को। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ASP इन द कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर साइंस से कोई है इधर भाई ग्रेजुएट तो बता देगा कि कंप्यूटर साइंस में ASP किसे कहा जाता है, लेकिन वैसे सबको बताना बेसिक कंप्यूटर है ये, ASP किसे कहा जाता है, ठीक है, दिमाग रखिए, आंसर क्या है, एप्लीकेशन सर्वर प्रोवाइडर। ठीक है, ASP किसे कहा जाता है, एप्लीकेशन, शेयर करना है सेशन को और जल्दी से इसका आंसर याद रखो, एप्लीकेशन सर्वर प्रोवाइडर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, मैग्नेटाइट इज एन ओर ऑफ द मिनरल, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या है। देखो याद रखना, जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है, मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, कल हम क्या करेंगे, कल हम 500 क्वेश्चन करने वाले हैं, कल 500 क्वेश्चन का मैराथन होगा 2 घंटे का। ठीक है, कल क्या है, 500 क्वेश्चन का मैराथन 2 घंटे का, आपको पता ही है 2 आवर्स का। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, जुड़ना कैसे है, जुड़ना कैसे है, कुछ नहीं, 8 बजे क्लास होती है मेरी हमेशा, तो ये भी 8 बजे है, 8 से 10 होने वाला मैराथन स्पेशल है, कंटेंट पूरा न्यू होगा A to Z, 500 क्वेश्चन 2 घंटे रात को 8 बजे कल संडे को, करना क्या, 8 बजे सर्च करना है ये जीके विद अमन सर, ठीक है, यूट्यूब पे जाके, ठीक है, मिल जाएगी कल की क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी कल की क्लास में। मैग्नेटाइट इज द ओर ऑफ, ठीक है, आंसर क्या है जल्दी से बताएगा, आंसर क्या है, मैग्नीस। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या है। ठीक है, आंसर क्या है बच्चे जल्दी से बताएगा, ठीक,
दिमाग पर रखिएगा, रिलेटिव डेंसिटी अगर मैं यूनिट बताऊं तो भैया कोई यूनिट ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, ठीक है, होती ही नहीं है क्योंकि, ठीक है, जल्दी से बताएगा कौन सा इसमें से पार्टनिंग पावर है राष्ट्रपति का जिसमें एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट जो है कैन बी सब्स्टिट्यूट इनटू द लाइटर फॉर्म, ठीक है, मतलब अगर अगर खतरनाक धाकड़ तरीके की अगर सजा दे रखी है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, तो वो जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, एक आसान सजा में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये किसमें होता है, नाम से बता रहे, कम्यूट करना, बदलना किस चीज़ को, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, तो कम्यूटेशन जो है, ठीक है, दिमाग रखे, कम्यूटेशन प्रोसेस है, ठीक है, कम्यूटेशन पावर है। एक और विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट डज नॉट हैव सैटेलाइट, बड़ा आसान है, मरकरी और वीनस, ठीक है, मरकरी और वीनस की कोई सैटेलाइट नहीं होती, ठीक है, मरकरी और वीनस की कोई सैटेलाइट नहीं होती। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आंसर क्या है, हाँ भाई, ग्लास में कौन सा कलर ऐड कर रहे, मतलब क्या ऐड करने से ग्रीन कलर होता है, ये क्लास इस क्वेश्चन का आंसर पता है कौन दे पाएंगे, सिर्फ वही बालक दे पाएंगे, और वो बालक जितने भी हैं ना वो बालक सारे कलर का बता देंगे, ऐसे नहीं सिर्फ ग्रीन का बताएंगे, सारे कलर, पिंक क्या, रबी क्या, गोल्ड क्लोराइड क्या, ये सब बता रखा है। कितने बजे, रात को 10:30 बजे, ठीक है, अन अकेडमी की फ्री क्लास रात को 10:30 बजे होती है, उसमें बता रखा है। आंसर क्या इसका, आंसर क्या बच्चे दिमाग पर रखिएगा, ग्रीन कलर किसकी वजह से, क्रोमियम की वजह से, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, क्रोमियम ऑक्साइड की वजह से। एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग कंक्वर्ड द सिलोन, ठीक है, आज के समय का श्रीलंका जो है ये कौन से चोला किंग के द्वारा, ठीक है, जल्दी से बताएगा, ठीक है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, ठीक है, एक्चुअली थोड़ा सा मुंह पक गया है, ठीक है, बोल बोल के कल से, कल 2 घंटे क्लास हो गई थी ना, तो उसकी वजह से। आंसर क्या है, राजा राजा फर्स्ट इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस रेलवे स्टेशन इज द वर्ल्ड हेरिटेज, बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, भारत के 2 रेलवे स्टेशन जो है ना वर्ल्ड हेरिटेज में आते हैं, भैया आपके सामने एक दिख रहा है, नजर पहचानो, ठीक है, आंसर क्या है, आंसर क्या है, जल्दी से बताएगा, आंसर क्या है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, ठीक है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये रेलवे स्टेशन, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। आंसर क्या है, पार्थिक बताओ इस क्वेश्चन के अंदर, द केव एंड द रॉक का टेम्पल एट एलोरा सार, जल्दी से बताएगा क्या है, मतलब कौन से धर्म से संबंधित है, ठीक है, एलोरा में जो केव है वो कौन से धर्म से संबंधित है, क्या इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है भाई, ठीक है, आसान कैसे है भाई, क्योंकि लिखा हुआ है हिंदू, बुद्धिस्ट और ये जैन, तीनों के तीनों धर्मों को दर्शाया गया उसमें, ठीक है। रिंग बोम किस टाइप का डिसीज है, कमेंट करिएगा, रिंग बोम किस टाइप का डिसीज है, ठीक है, आंसर क्या है, फंजाई इसका आंसर है, कवक होता है, ठीक है, दिमाग को रखिएगा, कवक होता है, आसान है क्वेश्चन। हु इन्वेंटेड रॉकेट, रॉकेट किसके द्वारा इन्वेंट किया गया, कमेंट करिएगा, रॉकेट किसके द्वारा इन्वेंट किया गया, शेयर करिएगा सेशन को, ठीक है, शेयर करिएगा सेशन को, और सारे के सारे कल 8 बजे 500 क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएगा, जीके विद अमन सर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, आप ऐसे कहीं पे भी सर्च करो, ठीक है, YouTube का कभी भी सर्च करो, जीके विद अमन सर मिल जाएगी क्लास, ठीक है। रॉबर्ट गोडार्ड इसका आंसर है। एक क्वेश्चन देखिए, विच म्यूजियम हाउस द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कुशान स्कल्पचर, जल्दी से देख, कुशान की जो मूर्तियां हैं, कुशान वंश के राजाओं की जो मूर्तियां हैं, एग्जैक्टली कुशान की कनिष्क की बात हो रही है, ठीक है, तो भैया इनकी मूर्तियों का संग्रह सबसे बड़ा कहाँ पे है, आंसर क्या इसका, सबसे बड़ा संग्रह कहाँ पे, मथुरा म्यूजियम में, कहाँ पे, मथुरा म्यूजियम में सबसे बड़ा संग्रह है, ठीक है, दिमाग रखिएगा, मथुरा म्यूजियम में सबसे बड़ा संग्रह है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, हाँ भाई, राष्ट्रकूटा की जो सबसे पहले कैपिटल बनी थी वो क्या थी, बदल दिया गया था उसके बाद, ठीक है, एलोरा, ठीक है, दिमाग रखिए, ठीक है, दिमाग रखिए। एक और क्वेश्चन देखिए, क्योंकि राष्ट्रकूटा किसके द्वारा, एलोरा जो है किसके द्वारा, राष्ट्रकूटा इसके द्वारा बनाया, वेयर वॉज द सेंट कबीर, जो संत कबीर है उनका जन्म कहाँ पे होता है, कमेंट करिएगा, संत कबीर का जन्म कहां पे हुआ था, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर देगा, आ सकता है कबीर का क्वेश्चन, ठीक है। वाराणसी में एक और क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द लिंगराज टेंपल, ठीक है, लिंगराज टेंपल कहां पे, दिमाग रखिएगा, भुवनेश्वर में है, ठीक है, दिमाग रखिएगा, लिंगराज टेंपल कहां पे है, भुवनेश्वर में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यार ये सब, ठीक है, आते हैं, ठीक है, धमाका क्लास मिस मत करो, सुबह 10:30 बजे अनअकैडमी में धमाका क्लास होती है, आप सभी जानते हैं, करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग करना है तो इस क्लास को देखना जरूर पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैं एमसीक्यू कराता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, दिमाग रहेगा, सुबह 10:30 बजे कल भी है, ठीक है, दिमाग रहेगा। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज कवर्ड, मौलिक अधिकार है बताइए जिसमें माइनॉरिटीज के बारे में बता रखा है, जल्दी से बताएगा, माइनॉरिटीज के बारे में बता रखा, मौलिक अधिकार कौन सा, कमेंट करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मौलिक अधिकार कौन सा है, जल्दी से बताएगा, कौन सा मौलिक अधिकार है, जल्दी से कमेंट करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, आंसर क्या है इसका,
ठीक है, आंसर है इसका 29, ठीक है, आर्टिकल 29, ठीक है, आर्टिकल 29। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हाँ भाई ठीक है, राष्ट्रपति पहले जब नेशनल इमरजेंसी लगाते थे ना तो वो पूरे देश में लग जाती थी, ठीक है, राष्ट्रपति को ना एक पावर दी गई, कहा गया कि भाई आप किसी पर्टिकुलर पार्ट में भी लगा सकते हो। अब सवाल पूछा गया कि कौन से संशोधन के तहत, कौन से संशोधन के तहत राष्ट्रपति एक छोटे से हिस्से में भी भारत के नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, और वो क्या है 42, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट के तहत ये पॉसिबल हुआ। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। द मेन ड्यूटी ऑफ लेजिस्लेचर, आसान है भैया, ठीक है, एनफोर्समेंट, ठीक है, लेजिस्लेचर कानून बनाता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ये नहीं करना भैया मैथ नहीं। हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी की बात होगी तो भैया नेशनल इमरजेंसी का एक और क्वेश्चन देखो, हमारे देश में अभी तक नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लग चुकी है, जल्दी से कमेंट करेगा, हमारे देश में अभी तक नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लग चुकी है, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या। देखो ये सब चीजें स्टैटिक जीके है, ये कुछ ऐसा नहीं है कुछ हमें कंसेप्चुअली पढ़ना है, ये स्टैटिक जीके है। सुबह 6 बजे आपको स्टैटिक जीके की क्लास अब मिल रही है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, इसलिए आपको कह रहा हूँ देखिएगा जरूर, सुबह 6 बजे क्लास जरूर देखिएगा, ठीक है, सर्च कर लीजिएगा स्टैटिक जीके बाय अमन सर, मंडे से आपको सुबह 6 बजे क्लास मिल जाएगी, कभी भी देखो लेकिन सर्च कर लीजिएगा। हाँ भाई, कौन सी ऐसी लैंग्वेज जो हिंदी के अलावा यूज की जाती है पार्लियामेंट में, आंसर क्या है इंग्लिश को, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विच लैंग्वेज वॉज नॉट एडेड इन द 8th शेड्यूल, आसान है, ठीक है, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 8th शेड्यूल में कौन सी लैंग्वेज को नहीं रखा गया था, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइएगा, ठीक है, इजी है, ठीक है, राजस्थानी इंग्लिश और पंजाबी को रखा है, इंग्लिश को कैसे रख देंगे, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। एक और क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 370 किससे संबंधित था, ठीक है, वाज अबाउट, ठीक है, स्पेशल स्टेटस, और ये भी सिर्फ कश्मीर नहीं है, इट्स जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, दिमाग को रखिए जम्मू एंड कश्मीर। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आंसर क्या है, ऑन विच डे द इंडियन फार्मर डे इज सेलिब्रेटेड, इंडियन फार्मर डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, भाई जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सेशन को शेयर करिएगा, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, और 8 बजे फिक्स कर लो यूट्यूब क्लास अमन सर के साथ, ठीक है, दिमाग में रखिएगा जीके विद अमन सर, ठीक है, 8 बजे फिक्स, ठीक है, आंसर क्या है इसका, ठीक है, 25 दिसंबर इसका आंसर है। एक क्वेश्चन देखिएगा, द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पूरी जो अगर जितने भी लैंग्वेज अभी तक हम यूज कर रहे हैं उसमें जो सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है प्यारे, वो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, कमेंट करिएगा, पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। ठीक है, फोर्ट्रॉन इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये नहीं करना है, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, मेजर पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट इज मेनली कंस्टिट्यूट ऑफ, बताइएगा जो अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट का मतलब क्या हुआ कि भैया अर्थ के ऊपर की लेयर जो है, ठीक है, दिमाग पर रखिए, अर्थ क्रस्ट ये इस तरह की इधर की लेयर, ठीक है, दिमाग पर रखिए, ये अर्थ क्रस्ट है। अब ये किसका बना हुआ है सबसे ज्यादा, मेजर पोर्शन कौन सा है, आंसर क्या है इसका, दिमाग पर रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑक्सीजन और सिलिकन, ठीक है, दिमाग रखिएगा, ऑक्सीजन और सिलिकन का बना है, मेजर पोर्शन ऑक्सीजन और सिलिकन है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। एक और क्वेश्चन, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, ठीक है, एक और क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, ठीक है, चलिए, द प्रपोज सी वे सेतु समुद्रम, ठीक है, सेतु समुद्रम जो है ये सी लेन पे पड़ता है, ये किससे पास होता है, जल्दी से बताइएगा, कौन सी स्टेट से पास होता है, जो प्रपोज सी लेन सेतु समुद्रम के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, सेतु समुद्रम क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, पूछा गया है ये कौन सी लेन के पास पड़ता है, कौन सा स्ट्रेट आता है इसमें, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा, ठीक है, आंसर क्या है प्यारे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार, क्योंकि ना ये एग्जैक्टली इंडिया और श्रीलंका, ठीक है, ये यहाँ पे सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है, सबसे बड़ा मरीन बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो यही है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, गल्फ ऑफ मन्नार ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, तो भैया ये भी पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट की कौन सी एनिवर्सरी हुई थी 2018 में, भाई बिल्कुल सोल्व करने की बात है, 76th एनिवर्सरी हुई थी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, काली बंगन, बड़ा प्यारा डांस है वैसे, काली बंगन जो है, ठीक है, सांप से संबंधित है, समथिंग रिलेटेड टू डेड स्नेक्स डांस, ठीक है, ठीक है, तो भैया पूछा जा रहा है कि कौन से राज्य से संबंधित, कमेंट करेगा कौन से राज्य से संबंधित, नाम से समझ आ रहा है कौन से राज्य का होगा, जल्दी से बताइए कौन से राज्य का है, ठीक है, आंसर क्या है इसका, राजस्थान इसका आंसर है,
ठीक है, राजस्थान का है, ठीक है दिमाग करके, राजस्थान का है, लेट समथिंग रिलेटेड टू द स्नेक डांस, और कुछ नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, ऑब्वियसली जश्न जो है, जश्न में अगर मैं ऑर्डर दूं तो ठीक है दिमाग करके, तो जश्न में सबसे आगे है सबसे बड़ा, दूसरा तीसरा और चौथा, फिर आता है अर्थ पांचवें नंबर पे, अर्थ इज एट फिफ्थ नंबर, ये भी याद रखिएगा, अर्थ इज एट फिफ्थ नंबर ये भी याद रखिएगा। पूछा जाता है कि भैया अर्थ कौन से नंबर पे है, याद रखना है, तो भैया ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखिएगा, 80 स्टैटिक जीके है, देखें लिटरली बोले ये सब कुछ स्टैटिक जीके है, जिसका तोड़ सिर्फ एक ही है, सुबह 6 बजे वाली स्टैटिक जीके, ठीक है, जो मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, गजब कर देंगे, मतलब ट्रिक्स पढ़ा देंगे एकदम, ऐसा माहौल बन जाएगा सुबह 6 बजे वाली क्लास। ऐसा नहीं कह रहा है कि तुम सुबह 6 बजे उठ के ही देखो, ठीक है, डैट इज नॉट पॉसिबल, जिसका पॉसिबल है वो सुबह 6 बजे लाइव देखो, नहीं भी देख पाते तो सर्च करो स्टैटिक जीके बाय अमन सर, और इसको आपको पार्ट वन पार्ट टू के हिसाब से देखना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल है, आसान है क्वेश्चन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल है, बड़ा आसान क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई, 12 शेड्यूल हैं, ठीक है दिमाग रखिए, 12 शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है, पूछा जाता है, ठीक है दिमाग को रखें, ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइएगा, कमेटी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, देखो अब इसमें ना सीधा डायरेक्ट पूछ लिया कि कितने मेंबर है, ये नहीं बोला गया कि लोकसभा है या राज्यसभा है, ठीक है दिमाग पर रखिएगा, लोकसभा या राज्यसभा ये नहीं बोला गया, ठीक है कमांड करेगा, लोकसभा राज्यसभा नहीं बोला गया तो भैया आंसर इसका डायरेक्टली 30 हो जाएगा, ठीक है आंसर इसका डायरेक्टली 30 हो जाएगा, ठीक है देखते हैं और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, पुणे वाज वंस नोन एज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है जो आज के समय के जो पुणे है, ठीक है दिमाग पर रखिएगा, ठीक है ये पहले किसकी कैपिटल हुआ करती थी, पुणे वाज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ठीक है दिमाग पर रखिए, ठीक जो आप इंफॉर्मेशन बताते हैं ना तो पहले रीचेक कराया करो तब बोलिया करो, डियर कालीबंगन इज द साइट बट इट इज अ डांस ऑल्सो, ठीक है दिमाग पर रखिएगा, कालीबंगन इज अ डांस, ठीक है दिमाग पर रखिएगा, ठीक है आर्ट एंड कल्चर में आता है, ठीक है पेशवास इसका आंसर है, ठीक है दिमाग पर रखिएगा, ठीक है पेशवास इसका आंसर है, ठीक है पेशवास इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमोनिया अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से शरीर के कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है, कमेंट करेगा, ठीक है निमोनिया शरीर के कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है, जल्दी से बताएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है आंसर क्या है जल्दी से बताएगा, ठीक है निमोनिया ऑब्वियसली हमारा किसको, लंग्स को इम्पैक्ट करता है, ठीक है लंग्स को इम्पैक्ट करता है, बहुत आसान क्वेश्चन है पूछा जाएगा, ठीक है लेकिन पूछा जाता है निमोनिया के ऊपर, ठीक है बेतपाला और दीमान ये दो बहुत बड़े कलाकार थे, पूछा जा रहा है ये कौन से युग से संबंधित है, बेतपाल और धीमान, ठीक है देखो यार भानभाट के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है बेतपाल धीमान इन सब पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है तो क्वेश्चन ये सब चीजें ही है जो करनी है हमें, ठीक है दिमाग रखिएगा, ठीक है आंसर क्या है, आंसर क्या बच्चे दिमाग रखिएगा, पाला एज, ठीक है दिमाग रखिएगा, पाला एज इसका आंसर है, ठीक है दिमाग रखिएगा, पाला एज इसका आंसर है। क्वेश्चन देखिएगा, नेपाली जो है लैंग्वेज प्राइमरली कहाँ पे बोली जाती है, कमेंट करिएगा, 85th क्वेश्चन का आंसर क्या है, नेपाली लैंग्वेज कौन सी उसमें बोली जाती है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर क्या है प्यारे इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है दिमाग को रखिएगा, आंसर क्या है प्यारे दिमाग को रखिएगा, कहां पे सिक्किम, ठीक है दिमाग को रखिएगा सिक्किम में, देखो यार नेपाली भाई नेपाल के पास पड़ा सिक्किम, तो यार नेपाली सिक्किम में ही बोली जाएगी। क्वेश्चन देखिएगा, डेलोनिक्स रेजिया रेफिन किसका साइंटिफिक नेम है, डेलोनिक्स रेजिया रेफिन किसका साइंटिफिक नेम है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अच्छा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है और याद रखना कल भी 8 बजे, कल 8 बजे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, कल 2 घंटे का मैराथन है, जो फुल फ्लेज मैराथन होता है ना संडे को 2 घंटे का 8 बजे वो कल है, ठीक है आपको जुड़ना हो तो डायरेक्टली सीधा सर्च करिएगा जीके विद अमन सर यूट्यूब पे 8 बजे 500 क्वेश्चन करेंगे, डेलोनिक्स रेजिया रेफिन किसका है, ठीक है दिमाग पर रखे। एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, गुलमोहर, ठीक है द फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है, ठीक है ये किसे दर्शाती है, कमेंट करिएगा फ्रीडम ऑफ प्रेस किसे दर्शाती है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइएगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस किसे दर्शाती है, आंसर क्या है बच्चे, राइट ऑब्वियसली यार राइट ऑफ एक्सप्रेशन को दर्शाती है। हाउ मेनी फिल्म फेयर शाहरुख खान जो है इनको सबसे ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं, पूछा गया कितने, जल्दी से बताइएगा कितने फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं शाहरुख खान को अभी तक के, आंसर क्या है 15, ठीक है क्वेश्चन देखिएगा, लाइव टेस्ट होता है पता ही आपको, मैग्नेटाइट किसका ओर है, कमेंट करिएगा मैग्नेटाइट किसका ओर है, जल्दी से बताएगा मैग्नेटाइट किसका ओर है, ठीक है जल्दी से बताएं किसका ओर है मैग्नेटाइट, इजी है क्वेश्चन, ठीक है
आंसर क्या है बच्चे, दिमाग खोले गया, आंसर इसका आरएन है, ठीक है दिमाग खोले, आंसर इसका आरएन है। क्वेश्चन देख, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है कौन से सेक्ट के समय, कौन से संप्रदाय के समय में आया, जल्दी से बताएगा, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट कौन से संप्रदाय के समय में आया था, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से क्या इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन, ठीक है, आंसर है महायाना, ठीक है, महायाना सेक्ट के समय में गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है ये डेवलप हुआ था, जिसने गांधार स्कूल ऑफ आर्ट सभी जानते हैं, ठीक है दिमाग पर रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन, स्पीकर्स वोट इन द लोकसभा कब वोट करते हैं, जल्दी से बताएगा, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो एक ही समय वोटिंग करते हैं, और वो टाइम क्या होता है, जल्दी से बताएगा, व्हेन स्पीकर वोट्स, जल्दी से बताएगा। ठीक है, आसान है, ठीक, कास्टिंग वोट, जब दोनों बात बराबर हो जाए ना उसके बाद स्पीकर को वोट करना पड़ता है कि भैया आ भाई तू आओ भैया तुम वोट करो, ठीक है, बात को एक पास से लगाओ। ठीक है, बायनोमियल नॉमन क्लीचर वॉज फाउंडेड बाय, आसान है क्वेश्चन भैया, ठीक है, तुम्हारे कार्ल्स लिनस के द्वारा, ठीक है, बायनोमियल नॉमन क्लीचर जो है ये, ठीक है, दिमाग रखे बनाया गया था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को नहीं करना, इस क्वेश्चन आंसर बताइए, नंबर ऑफ बायो जियोग्राफिकल जोन कितने, अच्छा क्वेश्चन, जल्दी से बताएगा, ठीक है, कितने बायो जियोग्राफिकल जोन है इंडिया में, कमेंट करेगा कितने बायो जियोग्राफिकल जोन है इंडिया में, आंसर क्या इस क्वेश्चन का। ठीक है भाई, सेशन को लाइक भी करिएगा यार, सारे के सारे एक एक करके तसल्ली से, ठीक है, आराम आराम से लाइक भी कर दो। ठीक है, आंसर क्या इसका, 10 इसका आंसर है, 10 इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आंसर, हु फाउंडेड द वर्ड ज्योग्राफी, ये जो भूगोल शब्द है ये इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, भूगोल शब्द की स्थापना किसके द्वारा की गई, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, भूगोल शब्द की स्थापना किसके द्वारा की गई, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर क्या है, एरिस्टोटल जो है, ठीक है दिमाग रहे, 20 का आंसर है, 20 का आंसर है, इनके द्वारा स्थापना की गई थी। एक और क्वेश्चन देखिए, इसको आंसर क्या है, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा कितने नॉमिनेट होते हैं, 12, 8, सोशल साइंस, ठीक है, सोशल सर्विसेज, सॉरी, साइंस, लिटरेचर, इन चार फील्ड में किया जाता है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, फर्स्ट इंडियन टू विन द इंडिविजुअल ओलंपिक, ठीक है, मेडल, आंसर, ठीक है, ऑब्वियसली KD यादव। एक और क्वेश्चन देखिए, इसको आंसर क्या है, बिल्कुल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वीकर सेक्शन के लिए जो है क्या है, रिजर्वेशन दिए गए हैं, ठीक है, जॉब पे रिजर्वेशन दिए गए हैं, अब ये कौन से आर्टिकल के तहत है, जल्दी से बताइए कौन से आर्टिकल के तहत है, आंसर क्या है बच्चे, आर्टिकल 16 के तहत है। ठीक है, दिमाग करके, जॉब में रिजर्वेशन है, ठीक है, तो भैया ये किसके तहत है, आर्टिकल 16 के तहत है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, हुमायूं टॉम किसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है, आंसर क्या है, हमीदा बानू बेगम के द्वारा, किसके द्वारा, हमीदा बानू बेगम के द्वारा हुमायूं टॉम बनाया गया था। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आसान है, ठीक है, हमीदा बेगम के द्वारा बनाया गया। एक और क्वेश्चन देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी, ठीक है, आसान है, ठीक है, किसके द्वारा, बेबी छोड़ेंगे इसको, बेकार है क्वेश्चन। महाबलीपुरम इज एन इंपॉर्टेंट सिटी डेट रिवील्स द इंटरेस्ट आर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जल्दी से बताएगा, महाबलीपुरम जो है, ठीक है, ये किसके इंटरेस्ट आर्ट को दर्शाती, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ठीक है, दिमाग रखिएगा, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ठीक है, आंसर क्या इसका, जल्दी से बताइएगा। ठीक है प्यारे, और एक चीज याद रखिएगा, आपको मुझसे YouTube पे कल 8 बजे जुड़ना है, परसों 8 बजे, हम हर दिन 8 बजे जुड़ना है, और एक सुबह 6 बजे, ठीक है, दिमाग रखिएगा, एक सुबह 6 बजे, आंसर क्या है, पलवास इसका आंसर है। और जुड़ने का तरीका क्या है, सर्च करना है सीधा GK विद अमन सर 8 बजे, और 6 बजे स्टैटिक GK बाय अमन सर, ठीक है, स्टैटिक GK बाय अमन सर। अभी मैं थंबनेल दोबारा दिखा देता हूँ, फिल मैकलेन्सन प्ले द इंटरनेशनल स्पोर्ट कौन सा, गल्फ, ठीक है, दिमाग रखिएगा, गोल्फ जो है ये खेलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, जल्दी से बताएगा, हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, ठीक है, आंसर क्या है, हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, स्टैटिक GK है भाई, ये स्टैटिक GK यही होता है, स्टैटिक GK जो दिमाग खराब करता है बाद में, फैक्चुअल डिटेल पता ही नहीं होती, ठीक है, और जब किताब देखो ना, किताब में इतने लिखे हैं नेशनल पार्क, बंदा दिमाग, मैं बताऊँ ना, अगर आप किताब से नेशनल पार्क पढ़ने लग जाओ ना, आप 10 नेशनल पार्क को भी याद नहीं रख पाओगे, क्योंकि इतने दे रखे हैं, ठीक है, तो याद नहीं होते, ठीक है, हम टू द पॉइंट स्पेसिफिक करेंगे, ठीक है, 6 बजे स्पेसिफिक करेंगे स्टैटिक GK जो पेपर में आती है, जो फुल इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वाइट फॉस्फोरस, आंसर क्या है, ठीक है, दिमाग करिएगा, P4 इज द वाइट फॉस्फोरस। एक और क्वेश्चन देखिएगा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा कैन बी, जल्दी से बताएगा, आसान है, ठीक है, मैक्सिमम कितना है लोकसभा का, ठीक है, 550 है, ठीक है, हाल फिलहाल में 550 नहीं है, हाल फिलहाल में 545 है, ठीक है, लेकिन वैसे 550 जो है मैक्सिमम है, ठीक है, दिमाग रखिए, वैसे 550 क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है, दिमाग रखिए, वैसे 550 मैक्सिमम है। एक और क्वेश्चन देखिए, ट्रेड यूनियन किस में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ठीक है, दिमाग रखिए, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा,
विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैव प्रूव्ड द एवरी प्लेनेट एलोंगेटेड पाथ? केपलर। ठीक है भैया, केपलर ने तो कहा था कि भैया ये रहा सन और ये रहे प्लेनेट घूमते हुए एलोंगेटेड पाथ में। एक और क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर क्या है। ठीक है, द येलो रिवर कौन से देश में है? येलो रिवर नाम है रिवर का और ये चाइना में, कहाँ पे? ठीक है, येलो रिवर फेमस है और ये रिवर कहाँ पे? चाइना में। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, ये रिवर कहाँ पे? चाइना में। ठीक है, देखते हैं अगर क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, आंसर क्या है जल्दी से बताइए। एसिडिक एसिड इज नोन एज विनेगर। चलिए, हु प्रपोज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? ठीक है, अल्फर्ड वैगनर। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसके द्वारा? अल्फर्ड वैगनर के द्वारा। ठीक है, दी गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए इसको। हाँ भाई, गौ समृद्धि प्लस स्कीम किसके लिए? केरला सरकार के द्वारा ये स्कीम लाई गई। ठीक है, गौ समृद्धि प्लस स्कीम जो है डेयरी इंस्टीट्यूशन के लिए। ठीक, केरला सरकार के द्वारा ये स्कीम लाई गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, और याद रखिएगा, मैं अपने पेड कोर्सेज भी करा रहा हूँ 30 अगस्त से। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, 30 अगस्त से मेरे पेड कोर्सेज आ रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा अभी 30 अगस्त से कहाँ से कैसे ज्वाइन करना है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, फायदा बहुत होगा। मतलब पेपर से जस्ट पहले का जो मास्टर स्ट्रोक होता है ना, वो है ये 30 अगस्त का कोर्स। ठीक है, दिमाग रखिएगा। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेट ऑफिशियल कैन बी प्रिवेंटेड? ठीक है, एक ऑफिशियल जो है काम ना, मतलब उसको रोका जा सकता है कि आप नहीं कर सकते ये काम। ठीक है, आपके अधिकार में नहीं आता है ये। क्या कहता है? कोवरेंटो कहता है कि अधिकार नहीं है आपका इस चीज को करने का। बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से कर रहे हैं? ठीक है, दिमाग को रखिएगा। ठीक है, दिमाग को रखिएगा, बाय व्हाट अथॉरिटी। एक और क्वेश्चन देखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन अवॉर्डेड द भारत रत्न? किसमें से? ठीक है, आंसर क्या है? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये अपना फिक्स है। ठीक है, दिमाग को रखिएगा, ये अपना फिक्स है। अपन लोगों को अब जब भी जुड़ना है ना, सर्च करना है ये वर्ड। ठीक है, यूट्यूब पे। ठीक है, चाहे आप कभी भी कर लो एक बारी, अपना यूट्यूब पे सर्च तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपना सोर्स यही है जुड़ने का। ठीक है, और ये मेरा थंबनेल है स्टैटिक जीके का। मंडे से क्लास है सुबह 6 बजे, मंडे से क्लास है सुबह 6 बजे। ठीक है, वर्थ वॉचिंग होगी, वर्थ वॉचिंग। आपको सर्च करना है यूट्यूब पे कंप्लीट जीके बाय स्टैटिक जीके बाय अमन सर, बस इतना सर्च कर लो, कंप्लीट स्टैटिक जीके बाय अमन सर, ये थंबनेल मिल जाएगा। पार्ट सारे देखिएगा। ठीक है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, दिमाग रखना है, ये सुबह 6 बजे मंडे से आपके क्लास स्टार्ट। ठीक है, बेहतरीन कंटेंट होगा। विच ड्रग इज यूज टू क्योर द हाइपर टेंशन? जल्दी से बताइए कौन सा ड्रग यूज किया जाता है हाइपर टेंशन को। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, क्योर करने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा अगर दुख है, ठीक है, उसको, उसके लिए क्या करते हैं? ठीक है, आसान है। ठीक है, हाइड्रोलाइजिन यूज करते हैं। ठीक है, दिमाग रखे। एक और क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, चलिए, बिहू कौन से राज्य का फोक डांस है? ठीक है, असम राज्य का फोक डांस है, फेमस है, आता ही आता है। बिहू के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, ये दिस इज द फिक्स क्वेश्चन, बहुत पेपरों में मिलता है, बिहू के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, दिमाग रखे। ठीक है, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, रेस्पिरेशन। देखो यार, जहाँ पे सेल ऑर्गेनल पूछा गया और कहा कि एनर्जी प्रोडक्शन, तो भैया यहाँ पे आंसर तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो क्वेश्चन में। ठीक है, आंसर तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो क्वेश्चन में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से देखा। व्हेन नेट टॉर्क इज जीरो डैश इज कॉन्स्टेंट? ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इज कॉन्स्टेंट, जब नेट टॉर्क जीरो होता है उस समय। ठीक है, आर्टिकल 14 जो क्या करता है, गारंटी करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये आर्टिकल 14 की डेफिनेशन है। ठीक है, दिमाग रहे, सेशन को लाइक करिएगा भाई सारे के सारे। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा सारे के सारे। याद रखिएगा, कल भी आपकी 8 बजे क्लास है, 8 PM पे कल भी क्लास है, 2 घंटे, 2 आवर्स। ठीक है, दिमाग रखिएगा, 2 आवर्स। ठीक है, याद रखिएगा, 500 क्वेश्चन होंगे कल की क्लास में, वही जो अपनी संडे को होती है स्पेशल क्लास एक। ठीक है, नए कंटेंट के साथ वो क्लास कल है अपने। ठीक है, दिमाग रखिएगा, यूट्यूब पे 8 बजे फिक्स क्लास है, 8 बजे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइएगा। चलिए आगे बढ़ो प्यारे, इसका स्टडी ऑफ लेक लिम्नोलॉजी कहते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ? आंसर क्या है इसका, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो मेजर किया जाता है इन टर्म ऑफ, ठीक है, ह्यूमिडिटी में मेजर किया जाता है। ठीक है, अच्छा ये भी देख लो, मेरा जो कोर्स है ना 30 अगस्त से लाइव हो रहा है SSC और डिफेंस में, आप अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि 6:30 बजे स्टार्ट कर दिया है मैंने। ठीक है, 6:30 बजे मैंने लाइव कर दिया ये कोर्स। ठीक है, दिमाग करके 6:30 बजे आपको रजिस्ट्रेशन करके ना SSC गोल सिलेक्ट करना है। ठीक है, अमनदीप शर्मा सर्च करिएगा पहले। ठीक है, उसके बाद मैनेज गोल करने के बाद SSC को गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो। मंथ 12 और 24 मंथ, भैया दिमाग रखना, 2 साल 1 साल से कम मत लेना,
याद रखिएगा सीईटी आ चुका है, ठीक है, सीईटी आ चुका है, बदलाव बहुत आएंगे, बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। 12 और 24 मंथ से कम मत लेना, सीईटी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। लाइव अमन रेफर कोड यूज करना है, फिर पेमेंट करनी है, इससे रेफर कोड से आपका डिस्काउंट हो जाएगा। दिस इज एंट्री टिकट, मुझसे अगर जुड़ना है तो दिस इज एंट्री टिकट, लाइव अमन रेफर कोड यूज करना है आपको, ठीक है। 12 और 24 मंथ से कम मत लीजिएगा, सीईटी को मद्देनजर रखो, क्रैक करना है ना सीईटी को, जीके पे फोकस करना, बता रहा हूं 100% में से ना 60% जीके होगी, ठीक है, 100% में से 60% जीके होगी, याद रखना ये रेफर कोड लाइव अमन, ठीक है। 30 अगस्त से कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं सारे के सारे सीईटी से रिलेटेड जो है, ठीक है, सारे कोर्स जो अपडेट कर देंगे आपको नेक्स्ट मंथ के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए सारे, ठीक है, दिमाग करेगा, आप कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला भैया, याद रखिए, सिंपल सी बात है। चलिए करते हैं अपने सेशन को एंड, ठीक है, मिलते हैं अभी 10:30 बजे और कल दोबारा मिलेंगे कल अभी 10:30 बजे मिलते हैं, ठीक है। वाईफाई स्टडी का हो गया ये क्लास, ठीक है, दिमाग रखिएगा, अभी मिलेंगे अनअकैडमी पे फ्री क्लास में, ठीक है। थैंक यू जुड़ने के लिए, ठीक है, थैंक यू जुड़ने के लिए, सेशन को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, बाय बाय सभी को, ठीक है, ठीक है, दिमाग रखिएगा, ठीक है, बाय बाय सभी को, ठीक है, करते हैं अपने सेशन को एंड। कल भी 8 बजे क्लास होगी, उसको भी जरूर देखिएगा, लाइक करिएगा सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ओके बाय सभी को, ठीक है, ठीक है, चलिए कल 2 घंटे क्लास है, ठीक है, कल 2 घंटे